नमस्ते, सिबोन क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये 3D मार्क्स बनाना सिखाऊंगी सबसे आसान तरीके से। तो ये 3D मार्क्स बनाने के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो है लंबाई में 10 इंच और ऐसे चौड़ाई में 7.5 इंच। तो ऐसे मैंने दो कपड़ा लिया है क्योंकि ये डबल लेयर का मार्क्स बनेगा। आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। सेम फोल्ड करने के बाद यहाँ से दो, इस साइड से 2 इंच और इस साइड से ऐसे 2 इंच, ऐसे कॉर्नर करके हम दाग देंगे। तो ये हम यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच काट लेंगे। तो इस साइड और इस साइड दोनों ही सेम करके काटना है, तो इसीलिए हम सेम करने के लिए ऐसे 4 फोल्ड कर सकते हैं। तो 4 फोल्ड करके ऐसे कॉर्नर को काट लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करके दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, हम यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम मैंने काट लिया है। अब जो है वो बीच में यहाँ पे थोड़ा हमको काटना है, यहाँ से गोलाई देके ऊपर से थोड़ा कार्व करेंगे नाक के लिए, ऐसे गोलाई दे देंगे। तो ऐसे शेप हो गया। देखिए खोलने से ये चारों कॉर्नर हम सेम इस साइड 2 और इस साइड 2 करके काट लिया था और बीच में ऐसे काट लिया। अब इसको उल्टा करके पूरा हम सिलाई कर देंगे और किसी भी एक साइड ऐसे खुला रखेंगे क्योंकि इसको पलटना है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरा हम सिल देंगे, तो किसी एक साइड थोड़ा सा ऐसे खुला छोड़ेंगे। तो ऐसे मैंने चारों तरफ से सिलाई दे दिया है और यहाँ पे मैंने ऐसे खुला रखा है क्योंकि हमको पलटना है। अब इसको पलट लेंगे और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर हम स्क्रू के मदद से भी इसको बाहर कर सकते हैं। तो ऐसे नाक की जगह जितना जहाँ पे कॉर्नर है, हम कॉर्नर को ऐसे स्क्रू से भी इसको अच्छे से इसको कॉर्नर को बाहर कर सकते हैं। तो ऐसे पलटने के बाद जिस साइड मेरा खुला था उस साइड हम एक सिलाई दे सकते हैं थोड़ा सा फोल्ड करके। तो इस साइड भी मैं ऐसे फोल्ड करके सिलाई दे दूंगी। तो ऐसे रेडी करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच के करीब है, तो हम ऐसे 3 दाग दे देंगे। एक देंगे 2 पे, जितना कपड़ा है उसको 3 भाग करना है, तो 2 पे 1 देंगे, 4 पे 1 देंगे। तो 1 2 3 ऐसे करके तीनों हो गया। अब है एक स्टिच देंगे जो सामने के साइड से स्टिच जाएगा क्योंकि ये 3D बन रहा है। तो ऐसे पकड़ के हम ऐसे एक स्टिच देंगे, सीधा साइड से स्टिच देना पड़ता है। थोड़ा सा पकड़ के हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच देंगे। तो एक स्टिच ऐसे दिया है, अब दूसरा स्टिच भी ऐसे हम देंगे सामने के साइड से। तो ऐसे 1 2 दोनों स्टिच मैंने दे दिया है, ये सामने के साइड है। अब इसको उल्टा करेंगे, ये अंदर का साइड है और ये बाहर का साइड है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर के साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये बाहर का साइड है, तो अब ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो है यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे जाएगा। लेकिन 3D बनाने के लिए, जो मैं 3D बनाऊंगी ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको जहाँ पे ये है इसके सीधा कर देंगे इससे। तो ऐसे
सीधा करके हम सिलाई देंगे। तो ऐसे सीधा करके सिलाई देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे मैंने एक साइड सिलाई दिया है, अब सेम दूसरा साइड का भी ऐसे आएगा तिरछा करने से, लेकिन यहाँ पे तिरछा नहीं करना है, इसको भी ऐसे करना है। तो इसको भी ऐसे देख के थोड़ा सा इसको ऐसे स्ट्रेट करके यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई देने से ऐसे कैसे थोड़ा सा 3D लुक आ गया। तो ये के दिया था मैंने नाक के लिए, तो ऊपर का हो गया। नीचे भी सेम इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ऐसे देख के ऐसे तिरछा नहीं करेंगे, ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई देंगे। तो एक साइड ऐसे सिलाई दिया और दूसरा साइड भी सेम इसके ऊपर देख के ऐसे नहीं सिलाई देना है, ऐसे सिलाई देना है, क्योंकि नीचे है, नीचे ऐसे ऊपर ऐसे जाएगा और नीचे ऐसे जाएगा, नीचे भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई देना है। ऐसे तैयार करने के बाद ये हो गया ऊपर का साइड, और ये नीचे एक्स्ट्रा जो है ऐसे फोल्ड करके हम इलास्टिक लगा लेंगे। और मैंने 7 इंच का लंबा 2 इलास्टिक लिया है दोनों साइड में लगाने के लिए। तो इसके अंदर हमको इलास्टिक लगाना है, तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो इलास्टिक ऐसे करके इस साइड भी यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई देंगे। अब एक साइड ऐसे लगा दिया, दूसरे साइड भी ऐसे फोल्ड करने से पहले इलास्टिक को इसके अंदर दे देंगे। ऐसे देख के हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। और लगाने के बाद ये जो है यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड में जैसे इलास्टिक लगाया है, दूसरा साइड भी सेम इसके बीच से यहाँ तक सिलाई देंगे। और ये जो दूसरा साइड है इसके अंदर देख के यहाँ से यहाँ तक सिलाई देंगे। और बीच में जो है फिर एक दूसरा हम सिलाई दे देंगे। तो ये मार्क्स रेडी है। और आप यहाँ पे भी चाप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे मैंने चाप दिया है, यहाँ पे आप चाप देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे मैंने ये मार्क्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शिवम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।